एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स देखे, लेकिन अगर प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है नहीं. सो वेलकम टू सिक्स पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. और आज हम कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ एन और यहाँ एक्स, और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि एक वेरिएबल कैंसल आउट हो जाएगा. देखिए, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको ये याद रखना है कि जनरली इस तरफ का वेरिएबल कैंसल आउट हो जाएगा. और सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उसे प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है. यहाँ पर हम 7² लिखेंगे. ये देखिए, जितने भी डॉट्स हैं दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो 49 7² इंटू 7 raised to n + 1 हमने ऐसे ही रखा. यहाँ 7 × 7 raised to n बन जाएगा आपका 7 × n + 1, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स एड अप होते हैं मल्टीप्लीकेशन में. यहाँ देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो क्या ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, 7 × 7 raised to n + 1, क्योंकि ये n + 2 है. अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूँ तो मुझे इस तरह मिलेगा, -7 raised to n + 1. अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं. देखिए, ये इस तरीके से लिखने का ये मकसद था कि यहाँ पर आपको दिख रहा था कि n प्लस वन वाला कॉमन निकल सकता है, कैंसिल हो सकता है. उसी तरीके से अगर अब हमने यहाँ 7 raised to n + 1 को कॉमन निकाल लिया पूरे में से, आपका बचा 7² - 1/7 - 1. ये देखिए, सिर्फ सिंपल आपको n+1. आपको यहाँ पहले स्टेप से ही समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ नीचे आपको करने हैं चेंज अकॉर्डिंगली. आपने जैसे यहाँ n+1 लिया तो यहाँ भी n+1 के टर्म्स में लीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाए. और यहाँ आपका 7 n+1 कॉमन था, 7 - 1. ये देखिए, ये टर्म्स पूरी कैंसिल हो गई. यहाँ आपका बचा 7² - 1 = 48 / 7 - 1 = 6. आपके पास 8 वैल्यू आ गई. अब आपको देखना है कि राइट हैंड साइड क्या था. राइट हैंड साइड था 2 raised to -x, दैट मीन्स 2 raised to -x = 8, क्योंकि आपने ये पूरा सॉल्व कर लिया और इसके इक्वेट करा. वंस अगेन वी एक्सप्रेस इट एज 2³, क्योंकि जब तक हम बेस को सेम नहीं करेंगे पावर्स इक्वेट नहीं कर सकते. सो इट इज एज सिंपल नाउ, x = -3. देखिए कितनी जल्दी निकल आता है. आपको सिर्फ ये देखना है कि हम क्या कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं जिससे कि वो कैंसल आउट हो. सेकेंड एग्जाम्पल. अब ये देखिए, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें फिर से कुछ नंबर्स ऐसे दिए हैं जो प्राइम नहीं है, जैसे कि 16, 4, यहाँ भी 16 और यहाँ. अब देखिए, इनको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर्स में. 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 raised to 4, क्योंकि 2 raised to 4 is 16. यहाँ पर हम लिखेंगे 2 raised to n + 1, इसको ऐसे ही रहने देंगे. ये आ गया आपका 2² × 2 raised to n, 4 is 2². अब नीचे भी कन्वर्ट कर लेंगे, 2 raised to 4 × 2 raised to n + 2 -2 × 2 raised to n + 2. ये देखिए, इस तरीके से जब हमने लिख लिया तब देख सकते हैं कि क्या मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है. यहाँ n प्लस वन है लेकिन यहाँ n प्लस टू बन रहा है, इधर भी n प्लस टू दिख रहा है आपको, इधर भी. इसका मतलब सिर्फ इसको हमें कन्वर्ट करना है n प्लस टू के फॉर्म में. तो क्या हम 2 raised to 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2³ × 2 raised to 1. जब हमने इस तरीके से सेपरेट कर लिया तो यहाँ बचा 2³ और ये आ गया 2 raised to n + 2 -2² × 2 raised to n. और इस टर्म को भी हम मिटा के इसे इस तरीके से लिख सकते थे अगर हमने इसको रब कर दिया. देखिए, 2² × 2 raised to n और यहाँ पर अगर आप देखें 2 raised to 4 2 raised to n + 2 -2 × 2n + 2. अभी सारे में आपको 2 raised to n + 2 कॉमन दिख रहा है. अगर हमने बाहर निकाल लिया कॉमन तो अंदर देखिए क्या क्या बचेगा. यहाँ बचेगा 2³ यानी 8 8 - 1 दैट इज 7. नीचे आपका 2 raised to n + 2 कॉमन निकलने के बाद 2 raised to 4 यानी 16 - 2 दैट इज 14. ये आपका बच गया.
ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, आपका आंसर आया 1 बाय 2 या 2 रेज टू माइनस 1। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड से तब आपका x इज इक्वल टू माइनस 1। ये देखिए इस तरीके से आपका आंसर कितनी जल्दी आ जाता है अगर आप उसको एक ऐसे फॉर्म में ले आए जहां कि आपका एक वेरिएबल वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर फिर से हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप वही रहेगा कि प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और ये 5 रेज टू n प्लस 1 एज इट इज। यहां आएगा 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू n अपॉन 3 इंटू 5 रेज टू n प्लस 2 माइनस 5 2 एंड 5 रेज टू n प्लस 1। अब आप ये देखिए इसको कन्वर्ट करने के बाद आपका मैक्सिमम क्या चीज है जो बाहर निकल सकती है और कैंसल आउट हो सकती है। यहां n प्लस 2, यहां n प्लस 1, लेकिन एक 1 और है यहां हमारे पास, तो ये भी n प्लस 2 बन सकता है। इधर देखते हैं n प्लस 2 ऑलरेडी है, 2 प्लस n हो जाएगा और यहां भी क्योंकि एक 1 है तो n प्लस 2। अब देखिए यहां पर अगर हम 5 रेज टू n प्लस 2 कॉमन निकालें, 5 रेज टू n प्लस 2 क्यों, क्योंकि 1 और n प्लस 1 मिला के n प्लस 2, यहां 2 और n मिला के n प्लस 2, तो यहां बचेगा 2 प्लस 1। और नीचे भी अगर हमने 5 रेज टू n प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तब आपका यहां बचेगा 3 और यहां पर बचेगा 2, क्योंकि देखिए ये वाला 5 यहां यूज हो चुका है 5 रेज टू n प्लस 2 में, तो नीचे बचेगा 3 माइनस 2। अब आपका ये कैंसल आउट हो गया, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 डिवाइड बाय 1 इज 3, तो आपका फाइनल आंसर है 3। अब अगर हम इसको इक्वेट करें 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू 2x, 3 यानी 3 रेज टू 1, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ। ये देखिए इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। आपको एक्सपोनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज पिछले एपिसोड्स में मिल जाएंगी, आप एक बार ब्रश थ्रू कर लीजिए क्योंकि ऐसे वाले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब देखिए कितना आसानी से यह आंसर निकल जाता है। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। मेरे इस प्रॉब्लम में देखिए फिर वही है कि कुछ नंबर्स प्राइम हैं और कुछ नॉन प्राइम, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 5 स्क्वायर, क्योंकि 25 इज 5 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 5 क्यूब और ये 5 रेज टू 2n माइनस 1। इस तरीके से जब हमने लिख लिया तो देखिए ये क्योंकि छोटा प्रॉब्लम है हम दोनों साइड्स को एक साथ रख के चल सकते हैं। 5 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 2n माइनस 2, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इधर आपका ये 5 जब ऊपर जाएगा तब आएगा 5 रेज टू माइनस 3 और ये 5 रेज टू 2n माइनस 1। इस प्रॉब्लम में आप देखिए कि एक ही वेरिएबल है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली। अगर हम इस टर्म को यहां ले आते हैं और कॉमन निकलेगा मेरा 2n माइनस 1, क्यों, क्योंकि इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 2n माइनस 2 यानी 5 रेज टू 2n माइनस 1 एंड माइनस 1। माइनस 2 कैन बी रिटन एज माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 का मतलब होता है कि ये इस तरीके से डिवाइड बाय 5। तो ये चीज अगर हमने यहां करी तब आपका बचेगा 1 बाय 5 इधर, जब 5 रेज टू 2n माइनस 1 आपने कॉमन निकाला, और इधर आपका 1 बचेगा, ये वाली टर्म इस तरफ आ गई। अब इस टर्म को जब हम इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन लगेगा आपका और 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू माइनस 3। इस तरीके से आपको पहले ये स्टेप समझने हैं क्योंकि कॉमन निकालना सबसे जरूरी है। अब आप देखिए 5 रेज टू 2n माइनस 1, यहां आपका आया आंसर माइनस 4 बाय 5 और ये था आपका माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू माइनस 3। 2 स्क्वायर और 4 एक ही है तो ये कट कर सकते हैं, माइनस का साइन यहां कैंसिल हो गया, ये 5 यहां जाके जब मल्टीप्लाई होता है तब देखिए आपके पास आता है 5 रेज टू माइनस 2, क्योंकि माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। इक्वेटिंग द पावर्स व्हाट यू गेट इज 2n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड n इज इक्वल टू,
इधर जाने से आपका माइनस वन बाय टू. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. देखिए किस तरीके से आप स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज याद रखने से बहुत ही जल्दी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं. आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत ही और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू आइडिया इन्फिनी. होप यू आर लाइकिंग ऑल आवर वीडियोस. सो सेंड इन योर सजेशंस एंड क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल द वीडियोस ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल आइडिया इन्फिनी.